जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः। और बड़े अफसर बनूंगी और उसके बाद मैं तुम्हें मजदूरी करने के लिए दूसरे के यहाँ नहीं भेजूंगी, इतना संकल्प कर रहे बच्चों, माँ को बोल के आना। अभी हमारे वजह से तुमको परिश्रम करना पड़ रहा, दूसरे के यहाँ मजदूरी करना पड़ रहा और हमारे पैसे के लिए, हमारे पढ़ाने के लिए इतना कष्ट ले रहे हो। मम्मी कुछ दिन और करना, अब मैं तुम्हें कष्ट नहीं दूंगा, तुम्हारे दरिद्रता को गरीबी को दूर करूंगा, पढ़ लिख करके आगे बड़े बनूंगा और अच्छे इंसान बनूंगा और अच्छा अफसर बनूंगा और परिश्रम करने के लिए तुम्हें नहीं भेजूंगा। इस प्रकार बोल करके आ जाना प्यारे बच्चों। तुम्हारा मम्मी पापा तुम वहां पर परिश्रम करते रहेंगे, पसीना बहाते रहेंगे, फावड़ा चलाते रहेंगे, गेती चलाते रहेंगे, प्यारे बच्चों तुम्हारे याद आएगा और उनको कष्ट महसूस नहीं होगा। मेरा लड़का पढ़ रहा है, मेरी बच्ची पढ़ रही है और मेरे लिए पढ़ रही है, मेरा कष्ट दूर होने वाला है, मेरा दुख दूर होने वाला है, मेरी गरीबी दूर होने वाला है। इसको सुन करके वो खुश हो जाएंगे और अच्छे से मन से परिश्रम करेंगे। प्यारे बच्चों, माँ बाप को उपकार को कभी नहीं भूलना, शिक्षकों को उपकार को कभी नहीं भूलना। नैव कृतम उपकारम साध्वा विस्मरन्ति, किया गया उपकार को सज्जन लोग कभी नहीं भूलते। प्यारे बच्चों, तुम्हारा पढ़ने में मन लगेगा, जो बनना है उसको सामने रख करके पढ़ने के लिए बैठो। डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, कलेक्टर बनना है, हमें कैसे पढ़ना है, क्या करना पड़ेगा, कितना नंबर लाना पड़ेगा, कहाँ गलती हो रही है, उनको सुधार करके पढ़ो। प्यारे बच्चों, आज की पढ़ाई आज पूरे करना, मुझे पूरा विश्वास है, और जल्दी उठ करके पढ़ना प्रारंभ करना, किताब खोलने से पहले इतना सोचना मुझे ये बनना है, देश का नाम रोशन करना है, माँ बाप का नाम रोशन करना है, तुम्हारा पढ़ाई में मन लगेगा। और जिससे जीवन बर्बाद होता, गलत संगति नहीं करना, कोई दुर्व्यसन नहीं करना, पैसे बर्बाद नहीं करना। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं भी आप जैसे छोटे बच्चे था, स्कूल जाता था, मैं भी लाइन से बैठता रहा, मैं भी 15 अगस्त और 26 जनवरी और महात्मा गांधी की 2 अक्टूबर जयंती के उपलक्ष्य में मैं भी रैली में चलता था, मैं भी नारे लगाता था, भारत माता की जय करके नारे लगाता था, लेकिन मैं सोचता था मैं कैसे आगे बढ़ूँ और देश को और समाज को कैसे आगे बढ़ाऊँ, मैं अपने माँ बाप के उद्देश्य की पूर्ति कैसे करूँ, मेरे को क्या करना है देश के समाज के लिए, इसके बारे में सोचता था। एक छोटा सा बच्चा होकर के भी मैं कतार चलते हुए भी ये सोचता था, और इसलिए मैं आज सब देखा, धनवान बनना बहुत आसान है और बलवान बनना बहुत आसान है, लेकिन अच्छे इंसान और सज्जन कल्याण करने वाला बनना बहुत कठिन है, इसलिए मैं साधु बन गया। और आज भी मैं अपने शिक्षकों को उपकार नहीं भूलता हूँ प्यारे बच्चों, और मेरे को माँ बाप भी मेरे को लाड़ करते थे, प्यार करते थे, लेकिन और लाड़ और प्यार में नहीं आता था, मैं स्पष्ट कहता था मेरे को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, मेरी चिंता मत करो, मेरे को अपने काम करने दो, मेरे को पढ़ने दो। और इतना ही नहीं, मेरे को पैसे दिया जाता था और उस समय 5 पैसे 10 पैसे 54 तो बहुत होती थी प्यारे बच्चों, 25-30 साल की 35 साल की पहले की बात है मैं कह रहा हूँ आप लोगों के लिए, उन पैसे को मैं बचा के रखता था, व्यर्थ खर्च नहीं करता था, पानी की टपरी पर जाकर खड़ा नहीं होता था, कोई होटल में जाकर के चाय पानी नहीं करता था, और पैसे बचा के रखता था। और 5-6-7 साल बाद मैं उन पैसों को इकट्ठा करके रखा था, जब उनके एक धार्मिक कार्य के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ी और वो परेशान हो रहे थे, उस समय मैंने अपने गुल्लक से पैसे निकाल करके दे दिया। उनने पूछा पैसे कहाँ से आया, मैंने कहा कि आपने जो 6ठी 7वीं से लेकर के 9वीं तक जो पैसा दिया था वो पैसे आपकी है, रख लो, थोड़ा सा विचार करो। प्यारे बच्चों, अच्छे काम करना है, जो अभी तक जो काम नहीं किया इतने अच्छे काम करना है, दुनिया देखते रह जाए, सारी दुनिया आपको सम्मान से देखे, आदर्श के रूप में देखे, जो अच्छे काम, जितने अच्छे काम, सारे अच्छे काम करने का संकल्प करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। प्यारे बच्चों, करने के लिए बहुत है दुनिया में, और बिना साधन के भी सब कुछ किया जाता है। प्यारे बच्चों, तुम्हारे आदर्श पुरुषों को याद रखो, भगवान महावीर को याद रखो, प्रभु रामचंद्र जी को याद रखो, स्वामी विवेकानंद को याद रखो, इन लोगों ने हमारे लिए, देश के लिए, समाज के लिए कितने किया, हम क्या कर रहे हैं, अपने माँ बाप के लिए हम क्या कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, कोई कहता इसलिए नहीं पढ़ना, नहीं कह रहा इसलिए मत पढ़ो, आपके लिए कुछ बन के दिखाना, कुछ करके दिखाना, इस भावना से पढ़ो, पढ़ाई में मन लगेगा। लोगों ने भूखे पेट रह करके भी पढ़ा है,
लोगों ने दूसरे के नौकरी करके भी पढ़ा है और आगे बढ़े हैं, देश को समाज को आगे बढ़ाए, हम भी ये काम कर सकते हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता। आपके पढ़ाई में गरीबी बाधक नहीं बनेगी, आपकी इच्छा शक्ति चाहिए। गरीबी से डरना नहीं है, प्रतिकूलता से कभी विचलित नहीं होना, अच्छे मार्ग से चलना प्रारंभ करो। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा जीवन पर, चिंता नहीं करना, लेकिन कुछ बन के दिखा देना, कुछ करके दिखा देना। मैं जानता हूं तुम एक व्यक्ति खड़े हो जाएंगे ना, पूरा देश का नेतृत्व कर सकते, दुनिया का नेतृत्व कर सकते। आज ठान लेना, आज संकल्प करना, दुनिया चलाने की क्षमता शक्ति तुम्हारे में विद्यमान है, उस शक्ति को व्यर्थ में खर्च नहीं होने देना, इधर उधर की बातों में नहीं लगाना, समय बर्बाद नहीं करना, कि सच्चे मन से पढ़ना, सच्चाई से पढ़ना और स्वेच्छा से पढ़ना, अपनी इच्छा से पढ़ना और सच्चाई से पढ़ना, पढ़ने का नाटक नहीं करना। जितने भी महापुरुष हैं प्यारे बच्चों, आप जैसे बच्चे ही थे, छोटे ही थे, बाद में वो महान बने, बाद में वो भगवान बने, जन्म से कोई भगवान नहीं बनता, इसलिए भगवान महावीर ने कहा जन्म से नहीं। न किसी संपन्न का अधिकार है, संत के ऊपर किसी एक का अधिकार नहीं है, प्रत्येक प्राणी मात्र का अधिकार है। पैसे वालों का नहीं, सिर्फ सुशिक्षितों का नहीं, किसी जाति वर्ग के व्यक्ति का नहीं, सत्य को ऊपर किसी का अधिकार नहीं है, सत्य को ऊपर सबका अधिकार है। किसी जाति वर्ग का अधिकार नहीं है, किसी समाज का अधिकार नहीं है, मानवता के ऊपर सबका अधिकार है, अहिंसा के ऊपर सबका अधिकार है। कोई समाज का हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी वर्ग का हो, चाहे युवा हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, सत्य अहिंसा सदाचार मानवता संयम श्रवण संत भगवंत धर्म आदि के ऊपर किसी एक का अधिकार नहीं है, सबका अधिकार है। जिस प्रकार सूरज के प्रकाश पर किसी एक का अधिकार नहीं होता है, सिर्फ श्रीमंतों का अधिकार नहीं होता, किसी सुशिक्षितों का अधिकार नहीं होता, किसी समाज के लोगों का अधिकार नहीं होता, उसी प्रकार सत्य शांति संत सदाचार अहिंसा मानवता धर्म के ऊपर किसी एक का अधिकार नहीं है, सबका अधिकार होता है। आप कितने सौभाग्यशाली हो, इतने अधिकार प्राप्त करने के बाद भी तुम दुखी हो, इन सबको प्राप्त करने का अधिकार तुम्हें है, लेकिन ऐसे मौलिक अधिकार पाने के बाद भी अब दुखी है, इसको देख करके मन पीड़ित होता है, हम दुखी हो जाते हैं। जिस प्रकार आप अपने मकान के ऊपर के अधिकार को पाने के लिए कोर्ट कचहरी चले जाते हैं, लेकिन कभी आप प्रयास करके संत के पास नहीं जाते कि हम सदाचार सत्य और अहिंसा को पालन कर सकें, कितने दुर्भाग्य की बात है। कोर्ट कचहरी पुलिस स्टेशन जाते हैं तो आपके लिए पैसा लगता है, लेकिन इसको धारण करने के लिए सरकार को पाने के लिए तुम्हें पैसा नहीं लगता है। ये संसारी प्राणी हो, हे मनुष्य, तुम अपने जीवन में मेरे जैसे तप और त्याग और साधना नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम तुम सदाचार को धारण करो, अहिंसा को धारण करो, सम्मान को धारण करो, इसलिए पैसा नहीं लगता है। अनपढ़ व्यक्ति भी कर सकता है ये काम, एक बच्चे भी कर सकते हैं, एक महिला भी कर सकते हैं, कोई भी युवा कर सकता है, गरीब कर सकता है, अमीर कर सकता है, प्रत्येक व्यक्ति ये काम कर सकता है और अपने मनुष्य पर्याय को सार्थक कर सकता है। इन स्थितियों से गुजर के आप लोगों को देख करके हमारे आंखें डबला जाती है, ऐसा लगता है मनुष्यों को कैसे समझा दिया। फिर भी मुझे लगता है मैं साधना करता हूँ तो पशु और पक्षी और शेर और सर्प तो समझ जाते हैं, लेकिन मनुष्यों को समझना बहुत कठिन होता है। मेरी साधना देख करके, मेरी भावना देख करके, मेरी दृष्टि देख करके, मेरी वितरता की परिणाम देख करके, पवित्र परिणाम देख करके, निर्मल परिणाम देख करके, मेरे निष्कपट प्रेम देख करके, निस्वार्थ प्रेम देख करके, वो क्रूर हिंस पशु भी जो प्रहार करने के लिए आते हैं वो भी शांत हो जाते हैं, वो भी समझ जाते हैं, लेकिन मनुष्य को समझाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा लगता है कि मनुष्य मोक्ष तुमसे दूर नहीं है, मंजिल तुमसे दूर नहीं है, हमारे पास मनुष्यता है क्या नहीं है। बंधु सिर्फ महान बनने की कोशिश मत करो, धर्मवान बनने की कोशिश मत करो,
तुम सिर्फ मनुष्य बनने का प्रयास करो तो मैं तुम्हें महान बना दूंगा, भगवान बना दूंगा। मंजिल की यात्रा, मोक्ष की यात्रा मानवता से प्रारंभ होती है। हम सब भूलते जा रहे हैं, हम पैसे के पीछे लगे हैं, हम जितने सुस्त हुए अपने अशांत और अस्थिर होने जा रहे हैं। हमारा जीवन ऐसा लगने लगा है, समझ में नहीं आ रहा है इसको कैसे समझाया जाए। कोई भी रुकने को, सुनने को, समझने को तैयार नहीं है। अब हर हकी के साथ आगे बढ़ रहा है, मैं आगे करके आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन किसी को मालूम नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किसी को मालूम नहीं है मैं कहाँ पहुँच गया हूँ, मैंने क्या पाया और क्या पाना चाहता हूँ, किसी को मालूम नहीं है। मनुष्य तुम सरासर धारण कर सकते हो, तुम्हारा सांस तुमको मंदिर जाने से रोक सकती है, लेकिन महामंत्र का जाप करने से नहीं रोक सकती है। तुम्हारा सांस तुम्हें हाथ की द्रव्य पूजा की थाली को छुड़ा सकती है, मंदिर जाने से रोक सकती है, लेकिन तुम्हें सत्य अहिंसा और सदाचार को धारण करने से दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं सकती है। तुम्हें स्वर्ग जाने से कोई रोक नहीं सकता, तुम्हें मोक्ष जाने से कोई रोक नहीं सकता। ये अपने परिणाम के ऊपर है, ये पैसे के ऊपर नहीं है, भाई भी आडंबर के ऊपर निर्भर नहीं है। मनुष्य ये सब तुम्हारे हाथ में, मेरे हाथ में नहीं है। यदि मैं तुम्हें सुखी बनाना चाहूंगा तो मैं नहीं बना सकूंगा, यदि तुम चाहेंगे तो मैं बना सकता हूँ, नहीं है तो मैं भी तुम्हें, मैं क्या अनंत शक्ति के धारी सर्वज्ञ परमात्मा पाप और परिग्रह से मुक्त और शांति प्रदाता परमेश्वर भी तुम्हें मोक्ष नहीं पहुंचा सकते है, तुम्हें शांति प्रदान नहीं कर सकते। यदि तुम चाहेंगे तो हो सकता है, हम निमित्त बन सकते हैं। दवाई बता सकता हूँ, लेना तुम्हें पड़ेगा। मार्ग दिखा सकता हूँ, चलना तुम्हें पड़ेगा। चल के तो जाना है सबको, कोई कार से जाएगा, कोई मोटरसाइकिल से जाएगा, कोई साइकिल से जाएगा, कोई पैदल जाएगा। पैदल चलने वाला भी, पगडंडे से चलने वाला भी मोक्ष के मार्ग से चल सकता है। कोई भी व्यक्ति शांति और सम्मान से चल सकता है। ये आपके ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं है। भगवान की एक निमित्त मात्र है। मनुष्य अपने मन को परिवर्तित करो, जीवन को समझो, जीवन की सार्थकता को समझो, जीवन की यथार्थता को समझो, मौलिक जीवन जीने के बारे में सोचो। गरीबी अमीरी में बाधक नहीं है, गरीबी अमीरी बाधक नहीं है। एक बात अवश्य याद रखना, यहाँ से जाते समय मैं आपको जीने जीवन जीने की कला को बता करके भेज रहा हूँ। तुम्हें किसी भी संकट में भी सुखी हो सकते हो, शांति को प्राप्त कर सकते हो, कितने भी दुर्गम मार्ग से गुजरना क्यों ना पड़े फिर भी तुम दुख से बच सकते हो, दुविधा से बच सकते हो। बस सत्य, श्रद्धा, समर्पण और धर्म, सदाचार और कुछ नहीं। यहां से एक बात लेकर के चलना, मनुष्य कदम कदम पर सावधानी करता जा रहा है। जहां पर सावधानी बरतनी चाहिए वहां पर सावधानी नहीं बरतता है। किसी को किसी का खंडन करना है तो मैं एक बात कह रहा हूं, तू गलत है। किसी को कहना है तो सबके सामने मत कहो। किसी को गलत कहना है, किसी का खंडन करना है, किसी का निराकरण करना है, सास हो या बहू, बेटे हो या पिता, अड़ोस पड़ोस के हो, मित्र हो या कोई भी, किसी तुम गलत कर रहे हो, यदि ये कहना है तो अकेले में कहना और प्रशंसा करना है तो सबके सामने करना। अपने बच्चों को संभालो। हम कदम कदम पर असावधानी कर रहे हैं। आज आपको बहुत अच्छा लगता है, कोई भी आपको फ्री में, दुकानदार अपनी दुकान चलाता है, एक में एक फ्री दे करके तो वह पैसे लूट लेता, लेकिन तुमको बहुत अच्छा लगता है एक में एक फ्री मिल रहा है। कोई भी व्यक्ति आकर के तुमसे कह सकता है चलो मैं तुम्हें शराब पिला दूंगा, उस समय सावधान रहना, मैं फ्री में पिला दूंगा, पैसे नहीं चाहिए। आज वो शराब फ्री में पिला सकता है, लेकिन आने वाली परेशानी को दूर नहीं कर सकता, वो परेशानी हमें होना है। ए मनुष्य जंगल वाले बाबा।